करंट अफेयर्स, यानी हम करने वाले हैं जीके सीरीज। बहुत मिक्स होगा, बहुत सारी चीजें उसमें मिक्स हो रखी होंगी। जीके सीए 2020 करने वाले हैं, आपका बहुत सारा काम बढ़ने वाला है, और इसलिए बढ़ने वाला है क्योंकि आपको अपने लेवल पे बहुत सारी चीजें खोजनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीजें हमारे समक्ष लेकर के आनी पड़ेंगी। पर अगले शायद एक या दो वीक में आपके प्रिपरेशन करने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव भी आएगा, राइट? जैसे आप एक लगे बंधे ढर्रे पे एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, आई टेल यू देयर इज अनदर वे ऑफ लर्निंग थिंग्स। जैसे हमने कल एक डिस्कशन किया, उसमें डिस्कशन आपका था, आपको खोजना था, आपको कम अप लेकर के आना था उसे यहाँ पे, और हम एक क्लास में बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स को कर पाए। इंटरेस्टिंग था, थैंक यू सो मच। आज का जो सेक्शन जो हम चालू कर रहे हैं, ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये इंटरेस्टिंग होता जाएगा। शुरुआत ऐसे क्षेत्र से कर रहा हूं जो कि फैक्चुअल ज्यादा है, और वो इंटरेस्टिंग भी हो सकता है कुछ के लिए नहीं भी हो सकता है। तो हालांकि मेरे पास में समय कम बचा है, बट मैं केवल आज इंट्रोड्यूस कर दूं आपको, और कल से फिर हम उस तरीके से इसे काम को चालू करेंगे, राइट? बहुत सारे डिस्कशंस रहेंगे, और अगर मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की बात करें तो मैं आपको कंप्लीट जीएस भी डिस्कस करवा सकता हूं इस तरीके से, तो वो डिपेंड करेगा कि आप कैसे डिस्कशन कर रहे हैं। दैट्स व्हाई आई रोट जीकेसी, यानी करंट अफेयर्स के थ्रू जनरल नॉलेज को समझना और जनरल नॉलेज को ऐड करके करंट अफेयर को करना। 2020 की हम बात करेंगे जनवरी से लेकर के और दिसंबर तक की न्यूज होंगी, जिसको कंप्लीट करने में हम अब जो बचा हुआ जनवरी का टाइम है उसको लेंगे, लगभग 15 डेज। अगर हम फरवरी में एंटर करेंगे तो फरवरी फर्स्ट वीक में हम जनवरी का काम करेंगे, और फिर क्या होगा, फिर एक एक मंथ में हम उस पर्टिकुलर मंथ का 3-4 डेज में काम कर लिया करेंगे, ठीक है? तो ये स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि पिछले वर्ष का जो काम होना था वो उस तरीके से हो नहीं पाया, तो अब हमने पूरे वर्ष का एक साथ इसको जोड़ करके करेंगे, लेकिन हम डेट वाइज नहीं करेंगे, हम मंथ वाइज भी नहीं करेंगे, बिकॉज डेट वाइज करने में और मंथ वाइज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप डेट वाइज करते हैं और मंथ वाइज करते हैं तो ऐसे तो पूछा नहीं जाता करंट अफेयर्स, फिर हम कैसे करेंगे, जहां पे कुछ सेंस बने, यानी हम टॉपिक वाइज करेंगे। जैसे मैं शुरुआत कर रहा हूं एक ऐसे सेक्शन से जिससे कि क्वेश्चन आता ही है, सबसे ज्यादा कहां से आते हैं क्वेश्चन, अवार्ड्स। हम स्टार्ट कर रहे हैं अवार्ड्स से, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। तो मैं बहुत सारे टॉपिक्स को मिक्स एंड मर्ज करूंगा इसके अंदर, मतलब एक टॉपिक में बहुत सारे अवार्ड्स को मिक्स एंड मर्ज करूंगा, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और कुछ कम इंपॉर्टेंट, ठीक है? सो चलो बातों को अब यहां पे विराम देते हैं और स्टार्ट करते हैं। इट स्टार्ट विद हाल ही में 48th अंतरराष्ट्रीय एमी अवार्ड्स में किस भारतीय वेब सीरीज ने बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता? ये तो तुम लोग देखते रहते हो ड्रामा सीरीज, तो विच इंडियन वेब सीरीज रिसेंटली वॉन बेस्ट ड्रामा सीरीज अवार्ड एट द 48th इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स? सो तुम लोगों ने देखी है डेली क्राइम्स? है, देखिए कैसी है? अच्छी है, मतलब तुम तो बहुत पैसे वाले हो,
हाँ बस नेटफ्लिक्स पे ये रिकॉर्ड हो रहा है, पहले ही बता दे रहा हूँ भाई, दूसरे रास्ते से देखते हैं। हाँ ठीक है, नहीं वरना नेटफ्लिक्स पे अमीर लोग देखते हैं, बहुत महंगा है यार। सर विंडो शेयर करा लो ना, 3-4 लोग देख लो, विंडो शेयर क्या है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ मैंने नहीं देखी है। ये है डेली क्राइम्स एंड इसे बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड मिला है एमी 48 में, राइट। नेक्स्ट, हाल ही में किसे वर्ष 2020 के लिए आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कला शिखर पुरस्कार, कभी सुना है इसके बारे में? हाँ 2019 में सुना है? नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया सर, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है 2019 के लिए, एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स इम्पोर्टेंट कि ये आगे भी पूछा जा सकता है। अमिताभ बच्चन, रणवीर कपूर, नसीरुद्दीन शाह या वरुण धवन? ये तो बच्चन साहब नहीं आए, कौन है ये? नसीरुद्दीन साहब जी, नसीरुद्दीन साहब को विक्रम बिरला अवार्ड मिला 2020 के लिए, 2019 के लिए ये अवार्ड उस्ताद जाकिर हुसैन को मिला था, 2019 के लिए ये उस्ताद जाकिर हुसैन को मिला था और 2020 के लिए ये नसीरुद्दीन साहब को मिला है, तो याद रखिएगा। उस्ताद अवार्ड, हाँ उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है तुमने? गुड वन, बहुत बढ़िया। तो गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक फेस था जो कि बड़ा फेमस रहा, अब करीना कपूर, कंगना रानौत या दीना मिर्जा तो था नहीं, इट वॉज ऋचा चड्ढा। ये रही। ठीक जी, तो ऋचा चड्ढा और भी बहुत सारे वेब सीरीज में और मूवीज में भी देखी जा चुकी हैं, अब मुझे अभी नाम तो याद नहीं आ रहे हैं। मायावती के उसमें मतलब मायावती को लेकर के कोई फिल्म बन रही है जिसमें कि कैरेक्टर के रूप में ऋचा चड्ढा का चुनाव किया गया। ठीक है ओके, तो ऋचा चड्ढा के लिए आप गैंग्स ऑफ वासेपुर देखिए, जो लोग 18 वर्ष के हों वही देखें, 18 वर्ष से कम उम्र वालों के लिए ये फिल्म नहीं है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा गालियों का उपयोग किया गया है और डबल मीनिंग तो कहानियां बहुत सारी हैं, तो मैं केवल ये बताना चाहता हूँ मैं 18 वर्ष का हूँ। आईपीएल 2020 सीजन में सर्वाधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप दिया जाता है, ये आईपीएल 2020 में किसको दिया गया? अब देखो तुम लोग सब कुछ देखते हो ना, नेटफ्लिक्स पे दिल्ली क्राइम देख लेते हो, आईपीएल भी देख लेते हो, सब देख लेते हो तुम्हें, तो ये भी याद आ गया तुम्हें कि भाई ये तो केएल राहुल हैं जिन्हें कि ये केएल राहुल हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है ना। खैर नेक्स्ट, अब थोड़ा सा कुछ चीजें आपको बता दूं, भारत में दिया जाने वाला जो सिविलियन अवार्ड है, यानी कि नागरिक सम्मान, उसमें सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न।
भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न। पहली बार अगर भारत रत्न के पश्चात, भारत रत्न के पश्चात आप अगर अन्य अवार्ड्स की बात करें तो उसमें तीन अवार्ड्स की श्रेणी बनती है। कितने अवार्ड्स की? तीन अवार्ड्स की। ये तीन अवार्ड्स कौन से हैं? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, राइट? तो ये चार मिलाकर के एक कैटेगरी हो गई जो नागरिक सम्मान की श्रेणी में, यानी कि सिविलियन अवार्ड्स की श्रेणी में टॉप नॉच अवार्ड है, राइट? सभी चारों अवार्ड जो रिपब्लिक डे होता है उसकी पूर्व संध्या पे दिए जाते हैं। मतलब आप इसे ये भी कह सकते हैं कि इन अवार्ड्स का अनाउंसमेंट या कन्फर्मेंट जब ये दिए जाते हैं तो वो रिपब्लिक डे पर दिए जाते हैं, बट एक्चुअली रिपब्लिक डे पर नहीं दिए जाते, उसके फर्स्ट डे एक पूर्व संध्या पर प्रोग्राम आयोजित करके और तब दिए जाते हैं। वो तो रिट्रीट होती है, दैट इज रिपब्लिक डे रिट्रीट, उसका यहां से कोई लेना देना नहीं है। 23 तारीख को और 28 तारीख को वो रिट्रीट होती है। चलिए, तो पद्मा अवार्ड आर कन्फर्ड इन थ्री कैटेगरीज, नेमली पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इसमें इन श्रेणी में चयन इनका जो किया जाता है वो लगभग दिसंबर तक किया जा चुका होता है। तो अनाउंसमेंट हो जाती है कि किनको दिया जा रहा है, लेकिन इनको दिया जाता है अगले वर्ष के रिपब्लिक डे फंक्शन पर। द अवार्ड्स आर गिवन इन वेरियस डिसिप्लिन्स फील्ड एक्टिविटीज, चाहे वो आर्ट हो, सोशल वर्क हो, पब्लिक अफेयर्स हो, इंजीनियरिंग हो, या सोशल सर्विसेज हो, पब्लिक सर्विसेज हो, एटसेट्रा, बहुत सारी फील्ड्स हैं, राइट? अवार्ड्स आर अनाउंस्ड ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे परेड, रिपब्लिक डे फंक्शन। दिस ईयर द प्रेसिडेंट हैज अप्रूव्ड कन्फर्मेंट ऑफ 141 पद्मा अवार्ड। यहां पे खास बात ध्यान रखिएगा, पहली बात तो ये कि 141 पद्म अवार्ड दिए जा रहे हैं टोटल, यानी कि तीन कैटेगरी में मिला करके टोटल 141, तीन कैटेगरीज में मिला करके टोटल 141, यानी 141। यहां पे लिखा है द प्रेसिडेंट हैज अप्रूव्ड। बेसिकली इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट दिस वर्क इज डन बाय वाइस प्रेसिडेंट। ये जो बॉडी होती है इसका हेड होता है वाइस प्रेसिडेंट, जिसमें कि अवार्ड्स को चुना जाता है, अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया जाता है लोगों को, राइट? सर, प्रेसिडेंट भी तो मौजूद होते होंगे ना वहां पे, तो फिर वो किसको देते हैं? भाई 141 लोगों के सिलेक्शन की जो कमेटी होती है वो एक पूरी कमेटी बनाई जाती है, ठीक है? तो उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए प्रेसिडेंट की जगह पे वहां पे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं जो इस कार्य को करते हैं, लेकिन फाइनली साइन जो होते हैं वो राष्ट्रपति के, ठीक है? प्रोसेस ये होता है। तो जब क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अवार्ड सेरेमनी जो सिविलियन राइट होते हैं, सिविलियन अवार्ड्स होते हैं यानी नागरिक सम्मान, उनकी जो कमेटी होती है उसको व्यवहारिक तौर पे हेड कौन करता है? तो वाइस प्रेसिडेंट करता है, प्रेसिडेंट नहीं करता उसे हेड। अगर ये पूछा जाए कि सिलेक्शन प्रोसीजर को फाइनलाइज कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करता है फाइनल, ठीक है जी? इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि हमारे यहां पे एक चलन पाया जाता है, वो ये कि यूपीएससी लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो सीडीएस और सीपीएफ हो, उसमें जो एक बार करंट अफेयर्स में पूछ लिए जाते हैं प्रश्न, वो आगे इजी करके और अन्य एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी डीएसएसबी हो, उसी तरीके के पैटर्न थे। और सीपीएफ के एग्जाम में इसको क्लियर कट क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, ठीक है? कि जब ये अवार्ड दिए जाते हैं, अवार्ड का सिलेक्शन किया जाता है, तो उस सिलेक्शन कमिटी को हेड कौन करता है? तो वाइस प्रेसिडेंट हेड करता है उस सिलेक्शन कमिटी को, याद रखिएगा, ठीक है? हालांकि इट इज गिवन ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, राइट? चलिए, 141 अवार्ड दिए गए हैं जिनमें की चार डुओ हैं। डुओ का मतलब क्या होता है? दो लोगों को, लेकिन अवार्ड कितना काउंट होगा?
अवार्ड इज काउंटेड एज वन, इसका मतलब है टोटल 145 लोगों को अवार्ड दिया जाएगा। अवार्ड कितने लोगों को दिया जाएगा? अगर नंबर पूछेगा तो पीपल कितने हो गए, पर्सन कितने हो गए, 145, लेकिन अवार्ड कितने हो गए, 141, दैट इज द डिफरेंस हियर, राइट। अब इसमें लिस्ट में 7 पद्म विभूषण हैं, 16 पद्म भूषण हैं और 118 पद्मश्री अवार्ड हैं। ये हमेशा ऐसे ही हायरार्की होती है, याद रखिएगा, जो जितना बेहतर अवार्ड है वो उतने कम लोगों को दिया जाता है। तो यहां पे क्या हुआ, 8 सबसे ऊपर क्या है, सॉरी 7, उसके बाद में 16 और उसके बाद में 118। आप क्या करेंगे, कभी भी आपको याद रखना हो तो आपको यह ध्यान रखना होगा, इकाई के अंकों में जनरली पद्म अवार्ड में पद्म विभूषण जो है वो इकाई के अंकों में दिया जाता है, लेकिन 2 या 3 से ज्यादा, यानी यूनिट नंबर्स में ही दिया जाता है, मींस 2 या 3 से ज्यादा लेकिन 10 से कम, ठीक है, बिलो 10, 10 to 20 और 25 तक नंबर होता है जहां पे कि आपको पद्म भूषण दिखेगा। हाँ, जनरली इतने लोगों को दिया जाता है। और 100 में 20 या 30 जोड़ दो, 100 प्लस को दिया जाता है पद्मश्री, तो 20 या 30 जोड़ दो, इसके आसपास ही रहता है पद्मश्री अवार्ड जो दिया जाता है। तो जब पेपर में अगर कभी क्वेश्चन आता है तो उन नंबर से अंदाजा लगाना, क्योंकि वहां पे नंबर दिए जाते हैं कि कितने कितने लोगों को कौन सा अवार्ड दिया गया। अब ये हमेशा याद तो नहीं रखा जा सकता, पर एक अंदाजा याद रखा जा सकता है, राइट। तो जब भी ऐसी कोई परफॉर्मेंस होती है, फॉर एग्जांपल ओलंपिक की परफॉर्मेंस होती है, उसमें आपको मेडल्स मिलते हैं, तो उन मेडल्स का एक अंदाजा होता है लगभग देशों के बीच में कितना अंतर रहता है मेडल्स का, किन कंट्रीज के बीच में कितना मेडल्स का अंतर रहता है, जिसने जितने गोल्ड जीते उससे सिल्वर का कितना अंतर रहता है, कितना डिफरेंस रहता है। और इससे एक अंडरस्टैंडिंग बनती है, ये तरीका होता है ऑब्जेक्टिव पेपर में इन नंबर्स वाले क्वेश्चन के का एक ट्रिक है सॉल्व करने का, कि वो आपके अंदाजे के नियरेस्ट कैसे पहुंच रहा है। तो जो सबसे नियरेस्ट होगा उसमें लूप ढूंढना होता है। तो कोई भी ये नहीं चाहता कि आपको नंबर याद है या नहीं है, वो ये जानना चाहते हैं कि आप, आपकी सेंसेस सही तरीके से काम कर रही हैं, आपने एक अंदाजा लगाने का एक मैकेनिज्म बनाया है या नहीं बनाया, आप रेगुलर न्यूज रीडर हैं या नहीं है, या फिर केवल आप फैक्ट को याद करने वाले हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो उसके लिए ये अंदाजे काम आते हैं। जब भी ऐसा कोई नंबर दिया हुआ हो तो मैं जो करता हूं वो ये है कि मैं एक हायरार्किकल ट्राइंगल बनाता हूं और उसमें मान लीजिए 4 नंबर हैं, तो मैं 4 सेक्शंस में बांट देता हूं। तो भारत रत्न दिया जाता है 1 से 2 लोगों को, मैं जितना इतिहास देख रहा हूं तो 2 लोगों को, 1 को दिया जाता है या 2 को दिया जाता है। और जब पद्म विभूषण दिया जाता है तो वो दिया जाता है 3 to 9 को, मेरे को दिख रहा है 3 से 9 लोगों के आसपास दिया जाता है। 10 से 25 के बीच में कहीं पे एंड करता है पद्म भूषण, और 100 के आसपास होता है पद्मश्री अवार्ड। मुझे ये अंदाजा लग गया, इससे मैं लगभग एक समझ के आसपास होऊंगा। अब इससे फर्दर मैं डेटा ना तो याद कर सकता, मतलब रटने वाली बात हो गई ना, ना तो मैं वो रट सकता, तो जितना कर सकता हूं उतना मेरे लिए हो गया। अब अगर किसी को अगर कोई डेटा अगर इसमें से याद रह जाता है, जैसे कभी कभी बहुत आसान होता है डेटा, कैसे आसान होता है, अब यहां देखो, यहां दिया हुआ है 7, तो ये लगभग डबल डेटा है, 7 × 14 + 2,
जब यहाँ पे 16 दिया हुआ है, अब यहाँ पे 6 है, यहाँ 7 है और यहाँ पे क्या है 8, आपको ये डिफरेंस दिख रहा है। तो ये जो 8 है और यहाँ पे आपने कितना समझ के रखा 100, तो लगभग आपका अंदाजा लग जाएगा कि 118 के आसपास का नंबर होगा, अगर आप इनमें से कोई भी एक डेटा अगर अपने हिसाब से दिमाग के अंदर अगर फिट कर सके तो। वो क्या होता है, वो होता है अपना एक स्कीमा क्रिएट करना, योर ओन स्कीमा। इफ यू कैन क्रिएट इट तो आपको वो याद रह जाएगा, उस पर फिक्स हो जाइए। पर ये नंबर्स अगर आप एक बार याद करने लगेंगे थोड़ा समय लगता है, लेकिन अगली बार से नंबर्स को याद करना आपके लिए इजी हो जाएगा डिफिकल्ट की जगह पे, बजाय इसके कि मैं इसके लिए आपको कोई एक ट्रिक बताऊं, ठीक है। हालांकि ट्रिक बहुत आसान होती है क्योंकि मैंने कहा ना ट्रिक बहुत आसान होती है। आप 141 को रख दीजिए और इसका रिलेशन क्रिएट कीजिए किन्हीं भी दो नंबर्स से। एक बार प्लस माइनस करेंगे ना तो तीसरा नंबर अपने आप याद हो जाएगा, इससे आपको पूरा डेटा याद हो जाएगा। बट मैं चाहूंगा कि आप कोई एक ऐसा स्कीमा अपने आप से फॉर्म कर लें, बजाय इसके कि मेरा कोई थोपा हुआ शॉर्टकट याद करने के। ठीक है ना, हाँ प्लीज बताएं। ये थोड़ा सा जिनको इसके आगे फर्दर अगर इन्हें समझना हो तो 33 अवार्ड्स आर वुमेन and the list also included 8 persons from the category of foreign NRI or OCI and 12 posthumous, इसका मतलब award posthumous भी दिया जाता है, मरणोपरांत भी दिया जाता है। 33 महिलाएं हैं, कितनी 33 महिलाएं हैं। अभी भी जो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन रखा गया है उससे लेवल कम ही है, पुरुषवादी सरकार है उसका चेहरा भी पुरुषवादी देखने को मिलता है, हालांकि इसमें 50% डेटा महिलाओं का होना चाहिए था। जी बताएं, ये जो आपने लिखा है भारत रत्न, ये मतलब 1 से 2 को ही मिलता है, मतलब लास्ट ईयर तो 3 को मिला था और इस साल भी शायद 3 को मिला। शेयर करते हैं, जनरली 1 to 2 मिलता है, मैंने याद किया हुआ है जनरली 1 to 2 मिलता है। अब ऐसे 5 मौके हैं जिनमें की 3 लोगों को मिला है, ठीक है, तो वो 5 मौके मेरे लिए क्या हो गए, एक्सेप्शंस। मैं रीसेंट वाले को देखने की बजाय मैंने आपको अपना बताया दैट मैं ऐसे याद रखता हूं, आप उसको 1 to 3 याद रख सकते हो, मैं उसे 1 to 2 याद रखता हूं, मेरी उम्र भी ज्यादा है ना भाई। मैंने तैयारी की थी 2001 में और आप में से बहुत सारे पैदा हुए होंगे 96 में या उसके आसपास, है ना भाई, 90 से 96 के आसपास आप पैदा हुए, तो आप उस वक्त में अंगूठा चूसते होंगे जिस वक्त मैं तैयारी कर रहा था, ठीक। तो उस वक्त में जैसे दिया जाता था अवार्ड तो ज्यादातर 2 लोगों को मिल रहा था, तो मेरी समझ आज के पे आधारित नहीं है, मेरी समझ उसके आधार पे है। तो मैंने कहा भाई मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया था अपना याद करने का वो था कि भारत रत्न 1 or 2 लोगों को मिलता है, मैं उसको आज भी ऐसे ही कायम रखता हूं। आपका अपना तरीका है कि आज की डेट में 3 लोगों को मिलने लगा, जनसंख्या भी तो बढ़ गई है भारत की, ठीक है ना, तो आज 3 लोगों को मिलने लगा। फिर सरकार के ऊपर एक और जिम्मेदारी आ गई है, जब तक सरकारें कांग्रेस की होती थी तो कांग्रेस के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी, उन्हें जिनको देना है देना है, राजा महाराजा लोग हैं। अब सरकार आ गई एक अलग पार्टी की तो उनके ऊपर ये भी जिम्मेदारी बन गई कि वो भेदभाव नहीं कर रहे, तो उन्हें 2 अपनी मर्जी के चूज करने हैं और एक वो भी चूज करना है जो कि उनका ऐसा चेहरा जाए कि भाई वो किसी से भेदभाव भी नहीं कर रहे। तो इसलिए ये डेटा बढ़ सकता है, तो वो आप अपने हिसाब से चेंज कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आया, आगे बढ़े, बस लास्ट सेक्शन है। यहां पे कुछ नाम बता देता हूं आपको, जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में आपने सुना है? हाँ, एक मंत्री थे भारत सरकार में, अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रालय में डिफेंस मिनिस्टर थे, कारगिल के टाइम पे यही थे डिफेंस मिनिस्टर। बाद में एक ताबूत घोटाला हुआ, ठीक है, जो ताबूत खरीदे गए थे, कॉफिन,
जो सेना के लोगों के लिए कॉफिन खरीदे गए थे कारगिल में मरने वालों के लिए, उससे संबंधित एक विवाद हुआ, एक स्कैम हुआ जिसमें इनका नाम उछला। बाद में चल करके इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया और राजनीति भी छोड़ दी। ये बड़े ही जाने माने एक कह सकते हैं आप पॉलिटिशियन और लीडर थे। आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा कि एक चित्र आता है कि इनकलाब जिंदाबाद, ऐसे कोई हाथ ऊपर उठा रहा हो और हथकड़ी लगी हुई हो उसके, तो वो बेसिकली वो हाथ था जॉर्ज फर्नांडिस का 1975 से 77 के दौरान चली इमरजेंसी में। ये वो शुरुआती रेवोल्यूशनरी थे जिनको कि उठा करके जेल में डाल दिया था इंदिरा गांधी ने, ठीक है। और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी तो उन्होंने इन्हें अपना रक्षा मंत्री बनाया था, दैट वाज जॉर्ज फर्नांडिस। पॉस्थमसली यानी मरणोपरांत इनको पब्लिक अफेयर्स के लिए बिहार स्टेट और कंट्री से बिलोंग करते थे और इसी के आधार पे इन्हें पद्म विभूषण दिया गया। अरुण जेटली ये भी नहीं रहे, अमृतसर से चुनाव हारे थे। हालांकि ये याद रखने की बजाय बहुत सारी अच्छी चीजें हैं इनके बारे में याद रखने के लिए, पर मुझे लास्ट चीज यही याद रहती है क्योंकि चुनाव हारने के बावजूद मंत्री बने थे और बहुत उम्दा वकील थे ऐसा लोग कहते हैं। तो जी, दिल्ली में बेस्ड थे और पॉस्थमसली इन्हें मिला है। अनिरुद्ध जगन्नाथ, इसके अलावा एमसी मैरीकॉम को आप जानते हैं, बॉक्सर है, ठीक है ना। चन्नूलाल मिश्रा, सुषमा स्वराज पॉस्थमसली, सुषमा स्वराज भी नहीं रही, वो भी बीजेपी से ही संबंधित थी। तो मुझे नहीं समझ में आता कि मतलब आप भी समस्या में होंगे इस बात को लेकर के कि सारे पद्म विभूषण पाने वाले क्यों बीजेपी में ही निकल रहे हैं। तो पहले आप देख सकते थे ये सब कांग्रेस में निकला करते थे, यानी पहले देशभक्त हुआ करते थे पब्लिक सर्विस करने वाले कांग्रेस में, अब होते हैं बीजेपी में, ऐसे ही मान लीजिएगा आप, ठीक है। तो विश्वस्तीर्थ स्वामी जी और इसके अलावा पेजावर आदोखाजा मादा उदूपी पॉस्थमसली मिला है, ठीक है ना, नाम इतना मुश्किल है आप समझ सकते हैं, स्पिरिचुअल लीडर हैं। ये सात लोग हैं जिनको पद्म विभूषण मिला है, इनमें से आपको क्या करना चाहिए, व्हाट यू कैन डू। इनमें से चार नाम याद कर लो जो आसानी से याद हो सकते हैं, हमेशा किसी भी लिस्ट में यही कर, दो चार पांच याद कर लो जो आपको आसानी से याद हो सकते हैं। आपने उनमें से कुछ नाम जरूर सुने होंगे, जैसे आपने यहाँ पे जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में मैंने बताया आपको, अरुण जेटली आपने सुना ही हुआ है, मैरी कॉम आप जानते हैं, सुषमा स्वराज जानते हैं, चार नाम हो गए, दैट इज इट, बाकी सबको भूल जाओ। अगर यहां से अगर पकड़ में आ गया क्वेश्चन तो वेल एंड गुड, और नहीं आता है तो 20 में से 20 थोड़ी करने हैं या 25 में से 25 थोड़ी करने हैं, ठीक है ना, एक आध छोड़ा भी जा सकता है ऐसा अगर प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन बनता है तो, ठीक। तो हाँ जी, इजी है ना, हाँ, बस चार नाम आपने याद कर लिए, तो तीन तो कांग्रेसी वो बीजेपी वाले ही हैं और चौथी प्रियंका चोपड़ा है। मतलब वो जो फिल्म बनी थी उसमें मैरीकॉम की वो प्रियंका चोपड़ा ही थी ना, तो प्रियंका चोपड़ा और ऐश्वर्या राय तो याद हो ही जाती है। इसके अलावा कोई नाम नहीं सुने ना तो याद रहेंगे पद्मा में है। बस गुड वन। इसके अलावा अब हम क्या कर सकते हैं, हम अपने जीवन को और मुश्किल बना सकते हैं, हम इसके बाद में पद्म भूषण याद करवा दें आपको। तो होगा क्या, खिचड़ी ऐसी पकेगी कि फिर पद्म विभूषण भी याद नहीं रहेंगे। तो अभी क्या है, अभी के लिए फिलहाल के लिए तुम अपने वो कहते हैं होल्ड योर हॉर्सेस एंड लर्न ओनली दीज फोर नेम्स, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, स्प्राइट पियो और मजे लो। चलो बाय, टाटा, आज के लिए इतना ही।